लेते रहो आराम से, जस्ट रिलैक्स। जहां डर है वहीं हौसला है, जहां दिन है वहीं रात है, जहां जीवन है वहीं मृत्यु भी है। मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। मृत्यु और उसके बाद के रहस्यमय जीवन की एक खौफनाक कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। 1921 में लोहा घाट की एबी इमारत को हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया था। एक अंग्रेज डॉक्टर मॉरिस हॉस्पिटल में अजीबोगरीब खोज कर रहा था। वो खोज कितनी भयानक हो सकती है ये उसके साथ काम करने वाले डॉक्टर सुरजीत ठाकुर भी नहीं जानते थे। मौत के बाद के जीवन का ऐसा खौफनाक आविष्कार था जिसने इस हॉस्पिटल को दुनिया के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक बना दिया था। आइए सर, जब तक डॉक्टर मॉरिस बिजी है मैं आपको अस्पताल दिखाता हूं। जी आइए। ठीक, डॉक्टर मॉरिस के बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने। अब वैसे कब तक फ्री होंगे वो? उनसे मिलने के लिए बेताब हो रहा हूँ मैं, उनसे बहुत कुछ सीखना है मुझे। डॉक्टर मॉरिस लोगाट के लोगों के लिए भगवान के समान है। यहाँ सबका फ्री में इलाज होता है, वो किसी से कोई पैसा नहीं लेते। हाँ ये तो सुना है मैंने, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि वो मरीज को देखते ही बता देते हैं कि वो जिएगा या नहीं। वो तो ये भी बता देते हैं मरीज को देखते हैं कि इसकी मौत कब और किस समय होगी। सच में? मगर ऐसे कैसे? बहुत सही अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन कैसे ये आप खुद ही उनसे पूछिएगा। आइए। ये सीमा है, सो रही है। जी डॉक्टर साहब, ये वंदना है। इनकी फाइल दिखाइए। चिंता मत कीजिए, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। इनका ख्याल रखिए। आइए। डॉक्टर साहब, इनका नाम लीला है। इनके माँ बाप बहुत बूढ़े हैं और इन्हें भर्ती करके चले गए हैं। अब इनका परिवार हम ही है। हुआ क्या है? इनको देवी चढ़ती है। देवी चढ़ती है? ऐसे थोड़ी ना होता है। इन्हें देवी नहीं चढ़ती, इन्हें मिर्गी का रोग है, एपिलेप्सी कहते हैं इसे। लीला जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? अभी तो ठीक हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन कभी कभी मेरे अंदर देवी आ जाती है, मेरा हाल बहुत बुरा हो जाता है। पता नहीं क्या होगा मेरा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनकी शादी होने वाली थी, वो भी इनकी बीमारी की वजह से टूट गई। चिंता मत करो लीला, हम तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे। विश्वास करो मेरा, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, एकदम पहले की तरह। और फिर देखना, लड़कों की लाइन लग जाएगी तुम्हारे सामने, तुम्हारी शादी के लिए। और अगर नहीं ठीक हो पाए तो? अगर यह हॉस्पिटल और यहाँ की दवाइयों से तुम ठीक नहीं हो पाई तो फिर मैं ही तुमसे शादी कर लूंगा। ये वादा है मेरा, अब खुश? देखो मुस्कुराई ना, ठीक तो हो रही हो तुम।
सर मैंने आपके बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, खास करके इंसानी दिमाग के बारे में। अब सर अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। सर आप यहाँ क्यों है? मतलब एक छोटे से गांव के हॉस्पिटल में आप तो इतने बड़े और जाने माने डॉक्टर हैं, फिर यहाँ बाकी सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि आप जी पचा है क्या कहता है मेरे बारे में? और वो सब बेवकूफ है, उन्हें मेरी रिसर्च मेरा काम कुछ भी समझ में नहीं आता। वो सोचते हैं कि मैं यहाँ आकर रिटायर हो गया हूँ, फिनिश्ड हो गया हूँ मैं, लेकिन सच ये है कि मैं यहाँ आकर शांति से अपनी रिसर्च कर सकता हूँ विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस प्राइंग आईज। यहाँ मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ जिसका हार्ट डॉक्टर सपना देखता है। मेरा काम बस यही होने वाला है। आई एम दिस क्लोज, सक्सेस के बिल्कुल करीब हूं मैं। सक्सेस? मैं कुछ समझा नहीं सर। अरे सब कुछ आज ही पूछ लोगे, तुम डॉक्टर हो या जर्नलिस्ट? अरे छोड़ो इससे, बहुत हो गया ये काम की बात है। तुम्हारा रहने का इंतजाम इसी हॉस्पिटल में हो जाएगा, तुम आराम से रहो, बहुत सारे काम पड़ा है करने को। श्योर सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मेरा नाम है जीत ठाकुर, पेशे से मैं एक डॉक्टर हूं। कुछ दिन पहले मैं देहरादून गया था अपनी पुश्तैनी हवेली में रहने के लिए। एक दिन कुछ सामान ढूंढते ढूंढते मैं एक बंद कमरे में चला गया, तो वहाँ मिली मुझे मेरे दादा सुरजीत ठाकुर की डायरी, जिसमें उनके बहुत सारे मेडिकल एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा था, जिसे पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई और ये पता चला कि उस समय के डॉक्टर कैसे काम किया करते थे। इस डायरी को पढ़ते वक्त मैं एक ऐसे पन्ने पर पहुँचा जिसने मुझे चौंका दिया, क्योंकि ये कहानी है मेरे परदादा की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का कुछ वक्त लोहाघाट की ऐवे इमारत में बिताया था, जहाँ थी वो मुक्ति कोठरी। ये क्या हो रहा है सब? डॉक्टर साहब आपके लिए कंबल आया हूं। रावत उस पेशेंट को कहां ले जा रहे हैं? उस मरीज को मुक्ति कोठरी ले जा रहे हैं। मुक्ति कोठरी? वो क्या है? जिन मरीजों के बचने की कोई उम्मीद नहीं होती उन्हें मुक्ति कोठरी ले आते हैं। वहां डॉक्टर मॉरिस मरीज को बचाने की आखिरी कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक कोई भी मरीज वहां से बचकर नहीं आ पाया है। और गांव वालों का विश्वास है कि डॉक्टर मॉरिस उस कोठरी में उनके साथ जो कुछ भी करते हैं उससे उन्हें मुक्ति मिल जाती है, इसलिए उसे मुक्ति कोठरी कहते हैं। ये कैसी सर्जरी करते हैं डॉक्टर मॉरिस वहां? डॉक्टर साहब मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूं, आप भी जाकर सो जाइए, सुबह मिलते हैं।
कौन हो तुम? ठीक तो है? हाँ ठीक हूँ, पर आप सब लोग यहाँ क्या हुआ था? मुझे लगता है तुम बेहोश हो गए थे। You must be exhausted. कल ही आया और मैंने तुम्हें काम पे लगा दिया। तुम्हें आराम करना चाहिए। Just take some rest for a while. खुद ठीक हो फिर दूसरों को ठीक करो। Okay sir. कल मैंने बहुत अजीब सा कुछ देखा। मतलब रात को वहाँ कुछ लोग थे और वो और उनके सर पर भी कुछ। ये अस्पताल है, यहाँ ये सब दिखेगा ही। ऐसा सब मतलब आत्माएं हैं सर? आत्माएं? ऐसा थोड़ी हो सकता है। डॉक्टर साहब क्या हो गया आपको? आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ, बस ऐसे ही। आप तो मुझे ठीक करने वाले थे और खुद ही बीमार पड़ गए। वो तो मैं करके ही रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, पर तुम्हें जरूर ठीक करूंगा। लेकिन आपको कैसे कुछ हो सकता है? आप तो खुद ही डॉक्टर हैं ना। अच्छा सर, आप आराम कीजिए, अब मैं चलता हूँ। एक तरफ लीला के साथ डॉक्टर ठाकुर की नजदीकियां बढ़ने लगी तो दूसरी तरफ वो उस डरावनी दुनिया का हिस्सा बनने लगे थे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उस हॉस्पिटल में मुक्ति कोठरी नाम का एक डरावना राज था। लेकिन क्या था मुक्ति कोठरी में? क्यों भटकती थी आत्माएं उसके आसपास? क्या थी डॉक्टर मॉरिस की रिसर्च? क्यों दिखाई दे रही थी उन्हें आत्माएं? और क्या चाहती थी वो डॉक्टर सुरजीत से?
मुझे अब रोशनी दिख रही है। मैं अपने माँ और पापा को देख रहा हूँ, लेकिन मैं उनके साथ नहीं जा सकता। मुझे उनके साथ जाना है, मुझे अपने साथ ले चलो। मैं आपके साथ क्यों नहीं जा सकता? क्या आप कह रहे हैं कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, अभी जिंदा हूँ? लेकिन अगर जिंदा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को देख कैसे सकता हूँ? मुझे सब दिख रहा है, प्रताप, राजेश, ये लोग इसी हॉस्पिटल में थे, मेरे साथ मर गए। अब वो कह रहे हैं कि मुझे भी रहना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी आया, अभी आया। मरीज किस दुनिया की बात कर रहा था? क्या डॉक्टर सुरजीत उस मरीज को बचा पाएंगे? क्या मुक्ति कोठरी का राज खुल पाएगा? मुक्ति कोठरी के अंदर मरीजों के साथ क्या होता था? आखिर डॉक्टर मॉरिस की खोज क्या थी? ऐसे बहुत से सवाल अब भी मुक्ति कोठरी के अंदर बंद थे। डॉक्टर सुरजीत ठाकुर जैसे जैसे इस केस में इन्वॉल्व होते जा रहे थे, वैसे वैसे वो डर के दलदल में फंसते जा रहे थे। तो ताला लगा हुआ है। रावत, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर जाना है, एक पेशेंट है अंदर। सर, आप इस कोठरी के अंदर नहीं जा सकते। इसके अंदर वही मरीज जाते हैं जिनकी मौत निश्चित है या जिनका समय डॉक्टर मॉरिस ने निश्चित कर दिया है। लेकिन रावत, अंदर एक पेशेंट है। तब तो सर उसकी डेड बॉडी ही बाहर आएगी, या फिर वो भी ना आए। मतलब सर, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी भी बाहर नहीं आ पाती। पता नहीं उनके साथ क्या होता है, उनका कोई रिश्तेदार नहीं होता। सर, आपसे एक बात कहता हूँ, इस चक्कर में ना ही पड़े तो अच्छा है। डॉक्टर मॉरिस बहुत गुस्से होते हैं। आपसे पहले एक डॉक्टर आए थे, उनको किसी ने नहीं देखा। डॉक्टर मॉरिस कहते हैं कि उनका तबादला हो गया है, लेकिन सर जहाँ तक मैं जानता हूँ या मैं समझता हूँ, वो जिंदा नहीं है। मगर रावत, मुझे अंदर जाकर देखना है अंदर हो क्या रहा है। देखिए सर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं इस काम के अलावा कोई काम नहीं जानता और यही मेरी रोजी रोटी है। आप चाहें तो इस अंधविश्वास को खत्म कर सकते हैं, लोगों की आंखें खोल सकते हैं, इस मुक्ति कोठरी की सच्चाई बता सकते हैं, लेकिन सर ऐसे नहीं। आइए मेरे साथ, चलिए आइए सर। रावत, रावत, वो पेशेंट कहाँ है? कौन सा पेशेंट? वही कल जिसका ऑपरेशन हुआ था और कल रात को उसे मुक्ति कोठरी में ट्रांसफर किया था। वो तो कल रात ही चल बसा।
चल बसा। वो कह रहे थे कि परिवार वाले बॉडी ले गए हैं, अब तक तो उसका अंतिम संस्कार भी हो गया होगा। मगर रावत, मैंने बॉडी को यहां से बाहर ले जाते हुए देखा ही नहीं। सर, जहां तक मुझे पता है उसका कोई परिवार था ही नहीं। मतलब उसकी बॉडी वहां। लीला, लीला, तुम्हें इस हॉस्पिटल से अभी जाना होगा। छोड़ दो इस जगह को, मैं तुम्हें किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देता हूँ। मुझे तो डॉक्टर मॉरिस ही ठीक कर सकते हैं, सब यही कहते हैं। ये हॉस्पिटल मेरी आखिरी उम्मीद है। लीला, मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, मैं तुम्हें ठीक करूंगा। मुझ पर विश्वास कर लीला, ये कोई देवी वेवी नहीं है, ये एपिलेप्सी है। इसका इलाज होता है, दवाइयाँ होती है इसकी। पर ये क्या? आगे ऐसा लिखते हैं कि वहां के लोगों का डॉक्टर मॉरिस पे कुछ ज्यादा ही विश्वास था। वहां के लोग उन्हें अपना भगवान मानते थे, यहां तक कि लीला भी। पर मेरे दादा को कुछ शक था कि यहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और धीरे धीरे उनका शक यकीन में बदलने लगा। सुरजीत दादू को यह पता चल गया था कि वो आत्माएं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो उनकी मदद चाहती थी अपनी मुक्ति के लिए। पर मुक्ति किस चीज से? ऐसे कई सारे सवाल दादू के मन में आ रहे थे, और सारे सवाल का जवाब बनता उस मुक्ति कोठरी के अंदर। और उस मुक्ति कोठरी में जाने का बस एक ही रास्ता था, और वो थे डॉक्टर मॉरिस। फिर दादू ने डॉक्टर मॉरिस को खुश करना शुरू कर दिया। सो ये जीत,
think you're ready. मुझे लगता है तुम तैयार हो. Really sir? Thank you so much sir. मुझे पता है कि मैं आपकी हेल्प जरूर कर सकता हूँ. मैं कुछ भी करूँगा सर. कुछ भी करोगे? क्या कर सकते हो? What will you sacrifice? Anything sir. जो भी आप कहें. ये मेरा सपना है सर. This is my life and I will do anything for it. ठीक है. रात को तैयार रहना. Sure sir. रावत सुनो मेरी बात. आज मैं डॉक्टर के साथ मुक्ति कोठरी में जा रहा हूँ. ये क्या कह रहे हो आप? मैंने आपको कहा था इस चक्कर में मत पड़ो. नहीं रावत, मुझे पता करना ही है. एक जरूरी बात सुनो. अगर मुझे आने में जरा सी भी देर हो जाए तो तुम बासी गांव जाकर मेरे दोस्तों को बाहर ले आना. ठीक है? आज जो भी रास है खुल के ही रहेगा मुक्ति कोठरी का. Well, are you ready, Suryajit? बिल्कुल. आओ मेरे साथ. देखो सुरजीत, ये लोग जिंदा तो नहीं मगर मारे भी नहीं. They are dead and yet undead. इसकी पल्स को चेक करो. Come on, check it. नहीं है सर. और फिर भी देखो, हिल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिंदा लगता है. पता है, alive और dead के बीच में भी एक स्टेट है. मौत और जिंदगी के बीच में. पता है मरने के बाद क्या होता है? मैं यही पता करने की कोशिश कर रहा हूँ. यही मेरी रिसर्च का सब्जेक्ट है और मैं बिल्कुल करीब हूँ इसके आंसर्स के. दुनिया का सबसे पहला डॉक्टर जो मौत और जिंदगी के बीच का फासला दुनिया को दिखाएगा. तुम्हें देखना है ये कैसा होता है. आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ. तुम सब कुछ चुकाने को तैयार हो ना? You will pay the price, yes? Come with me. Sheet it out. लीला, डॉक्टर ये ऑनेस्टली तुम्हें क्या लगता है? मैं इडियट हूं, बेवकूफ हूं कि मैं तुम्हें ऐसा ही बिना किसी कुर्बानी के अपनी रिसर्च में शामिल कर लूंगा.
You have to pay a price, Suryajit. You have to. Ek kurbani karke aur mere partner ban ja. Aur aaj ye procedure tumhe is patient par karna hoga. Ye leela nahi, doctor. Sirf ek patient hai. Ek live experiment. Ye sahi nahi hai, Dr. Morris. लीला बिल्कुल ठीक हो सकती है और वो सारे पेशेंट भी ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर आप पीछे रहो और पास नहीं आना दूंगे तुमको। जितना आ गया है उतना ही काफी है। ये गलत है डॉक्टर, आप इन्हें मार रहे हैं। ये मर्डर है उन पेशेंट्स की जो इलाज के बाद बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। No, that's just it. They're all terminals. ये सब मारने वाले हैं तो क्यों नहीं एक ग्रेटर कॉज के लिए, बड़े मकसद के लिए मारे। इनकी कुर्बानी से ही दूसरों का क्यों निकलेगा? मेडिसिन की तरह की होगी। इनको खुश होने चाहिए कि मैंने इनको चूज किया। आपको कोई हक नहीं इन्हें इस तरह मारने का। हक तो है। Now I have every right indeed. और वैसे भी आज से सालों बाद सबको मालूम होगा कि डॉक्टर मॉरिस कौन है। किसी को याद भी नहीं होगी लीला को। ये गलत है डॉक्टर, आप भगवान नहीं हैं। भगवान तो नहीं हूं लेकिन लोग मानते हैं कि मैं भगवान हूं और मैं पता करना चाहता हूं कि मरने के बाद क्या होता है। मैं साइंटिफिकली देखना चाहता हूं कि मौत और जिंदगी के बीच में क्या है। पता है कितनी बड़ी बात है ये? This is big. इतने सालों का जवाब मिल जाएगी सबको। नहीं, मैं आपको ये नहीं करने दूंगा। मैं प्रोसीजर कर रहा हूँ लीला। सूर्यजीत, तुम्हें पता है कि इसको क्या कहता है? ये सिल्वियन फिशर है। यही मेरी थ्योरी कि ब्रेन का ये हिस्सा गॉड के साथ सीधा कनेक्टेड है। पता है क्या होता है जब मैं इसमें इंसिजन करता हूँ? उस वक्त पेशेंट ठीक जिंदगी और मौत के बीच में होता है। वो फाइल ऑफ देख सकता है लेकिन वहां नहीं जा सकता। ऐसे ज्यादातर उन पेशेंट्स के साथ होता है जब वो कोमा में चले जाते हैं। लीला, ओपन योर आईज। बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? लीला, मुझे एक रोशनी दिखाई दे रही, एक सुरंग, लेकिन मैं अंदर नहीं जा पा रही। वो लोग मुझे आने नहीं दे रहे। जीत, पेशेंट इस हालत में हर वक्त रहता है। मैं उनको इंजेक्शन देकर सुला देता हूं और ऐसा ही रहता है, कभी मारते नहीं। वो दूसरी दुनिया की बातें बता सकते हैं लेकिन इस दुनिया में वापस नहीं लौट सकते। स्टक बिटवीन लाइफ एंड डेथ फॉरएवर। मेरे साथ काम करना चाहिए था, इतना कुछ करना बाकी है। तुम छह डॉक्टर हो, हम साथ साथ काफी कुछ कर सकते थे। मेडिकल साइंस की तरक्की होती, हमारी तरक्की होती, तुम मेरे साथ हो सकते थे। मगर अफसोस, अब देखो तुम कहाँ हो। तुम डॉक्टर नहीं, एक कातिल हो।
आज तक तुमने जितने भी लोगों को मारा है उन सबकी आत्माएं यही इसी हॉस्पिटल में भटक रही है। उन्हें मुक्ति नहीं मिली डॉक्टर, मुक्ति कोठरी में किसी को मुक्ति नहीं मिली। अब भी वक्त है, रोक दो ये सब और अपने पापों का प्रायश्चित कर लो। You will have to pay for your sins. You will have to pay. चलो, मेरे असिस्टेंट बनने लायक तो नहीं, मगर एक और तरह से मेरे हेल्प कर सकते हो। मेरे सब्जेक्ट बन के अब ये एक्सपेरिमेंट तुम्हारे ऊपर करूंगा। इतने सब होने के बाद तुम्हें जाने नहीं दे सकता मैं। नहीं डॉक्टर, रुक जाओ, ये गलत है डॉक्टर, रुक जाओ, तुम ये नहीं कर सकते। विश्वास करो बेटा, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, एकदम पहले की तरह। और फिर देखना, लड़कों की लाइन लग जाएगी तुम्हारे सामने, तुम्हारी शादी के लिए। और अगर यहीं से हो पाए तो फिर मैं ही तुमसे शादी करूंगा। कहाँ है सूरजीत? वो अंदर है, आइए मेरे साथ। लगता है अंदर से दरवाजा बंद है। और कोई रास्ता? एक काम करते हैं, दरवाजा तोड़ देते हैं। तुम यहां कभी एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे। इट्स ओवर, इट्स ऑल ओवर। मुक्ति कोठरी, लेकिन वहां किसी को मुक्ति नहीं मिलती थी। मुक्ति कोठरी बेगुनाह इंसानों की एक ऐसी भयानक जेल थी जहां एक बार जाने के बाद कोई भी लौटकर नहीं आता था। वो एक पागलपन था, उनकी रिसर्च उन्हें अपराध की तरफ ले गई थी और इसीलिए डॉक्टर मॉरिस का अंजाम भी बुरा हुआ। लीला खुश नसीब थी जो डॉक्टर सुरजीत ठाकुर की मेहनत और अपनेपन की वजह से बच पाई थी। डॉक्टर जीत ने बताया कि उनके परदादा सुरजीत ठाकुर की सिर्फ किताब ही बाकी है, बाकी के सारे सबूतों को मिटा दिया गया। लेकिन एबी हॉस्पिटल आज भी अतीत की उन भयानक दुर्घटनाओं के श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। आज भी वहां आत्माओं को देखा और महसूस किया जाता है। फियर फाइल्स ने पहली बार एबी हॉस्पिटल की सच्ची घटनाओं का खुलासा किया है आपके सामने। ऐसी घटनाएं और भी हैं, देखते रहिए फियर फाइल्स। दहशत दोबारा।